क्योंकि पागल है क्या तुम? थप्पड़ मेरे दहेज के गहने लेने के लिए हॉस्पिटल जाना नहीं, चले जाओ। 3500 रुपए करोड़ों का खजाना है इस औरत के पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी गया। मेरे को सुबह जाना था आरटीओ किसी काम से, वहाँ पे गई, वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं शूट कर सकती थी क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं होता। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद मुझे एक और जगह किसी काम से जाना था, वहाँ गई, फिर अब मैं वापस आई हूँ और अब मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत दिनों से जीन्स ख़रीदनी थी, तो मैं जीन्स ख़रीदने के लिए सोच रही हूँ। पहले मैं अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ कि अगर वो चलेंगी मेरे साथ तो जाने का तो कोई फ़ायदा है, नहीं तो अकेले जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी क्या कर रहे हो? कपड़े निकाल रही हूँ। चलोगे मेरे साथ? कहाँ जाना है? जाना है मार्केट जीन्स वगैरह लेने। चल लूँगी। पक्का? हाँ तैयार हो फटाफट। मेरी मम्मी कह रही है मेरी फोटो बिल्कुल मत ले क्योंकि क्योंकि पागल है क्या तू? मारो की थप्पड़। मैं गिर जाती अभी। गिर जाती। सेम सूट में मेरी 3 व्लॉग हो चुके हैं। वीडियो कौन देखता है मम्मी? तो लोग देखते हैं, ऐसी कोई बात। गाइस बताना आपने ये सूट देखा है? हां 2-3 बार देख चुके। अगर देखा है एक ही कपड़ा है इसके पास और कोई आई नहीं। अगर देखा है तो बता देना, बता देना कि आप मेरी मम्मी का सूट नोटिस करते हो कि नहीं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सुनार की दुकान पे मेरे दहेज के गहने लेने के लिए। 2000 years later. तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सुनार की दुकान से अपने दहेज का सामान इकट्ठा करके। भाई ये देख लो, मेरी मम्मी ने दूसरा सूट पहना हुआ है, सेम सूट में नहीं है। दहेज का सामान नहीं, एक अंगूठी मेरी चांदी की टेढ़ी हो गई थी, वो सीधी कराने के लिए आए थे। जब देखो मजाक करती है ना, मेरी मम्मी को सड़क में चक्कर आ रहा है। सच्ची में एकदम आया है। तो मम्मी बुड्ढी हो गई ना, अब चक्कर ही आएंगे। चलो चला जा रहा है हॉस्पिटल जाना नहीं, चले जाओ। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेरी मेरी एक लौती जीन्स की दुकान पे, रेड टेप। ये मेरे लिए सेवियर है क्योंकि इन्होंने मेरे साइज, मेरे बॉडी फिट की इतनी बेहतरीन जीन्स बना रखी है कि मैं सारी जीन्स इन्हीं की पहनती हूँ। देखना कितना कलरफुल कलेक्शन आया हुआ है। 70% ऑफ भी चल रहा है। चलो ज़्यादा देखेंगे नहीं, सामान है नहीं तो पैसा खर्च हो जाता है। एक तो पता नहीं मुझे क्या बीमारी है कि मुझे लड़कों के सेक्शन में से सब पसंद आता रहता है। मम्मा आप आगे चले गए, इधर आओ ना, ये वाला टॉप देखना अच्छा लग रहा है ना। रुपया देखना कितने का है। 799 का तो ऊपर वाला होगा ना, ये कितने का है? 3499। इतना सस्ता अच्छा नहीं है, रख दो वापस। टंगा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर कम अच्छा लगेगा, टंगा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं 3500 रुपये का मैं एक टॉप लूँगी, मेरी मम्मी ले सकती है, मेरी मम्मी अमीर है। ले लो, मैं तो कभी नहीं लूंगी। ये देखो ये 4000 का होगा पक्का। नहीं है देखो नहीं, शर्ट नहीं, लगा नहीं। अरे वो 899 तो रहे, ये देख लो 3799। ये देखिए, अरे मम्मी वो ऊपर वाले के लिए है, नीचे वाले के लिए नहीं है। अच्छा तो यानी कि उसका भी सेम उसका भी होगा, मगर फिर भी 800 रुपये का महंगा है ना। तो मेरी मम्मी को कलरफुल क्लोथ्स पसंद है। मैं बोल रही हूँ कि ये वाला अच्छा लग रहा है, बोल रही है बुड्ढो वाला है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मी देखो, हाँ आपको कभी सटल चीज़ें पसंद आती हैं? अच्छा लग रहा है, कलर नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई करके देखो। ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ले लो। वैसे आपके ऊपर सब अच्छा लगता है। अच्छा जी हाँ, अच्छे तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छी की माँ हो। हाँ जीन्स देख के ये कलर अच्छा लग रहा है। मम्मी एक ये कलर देखना अच्छा लग रहा है ना, ये तो अलग है, ये अलग है। तो गाइस लेने के लिए हम लोग आए थे सिर्फ एक जीन्स जो कि मैंने ट्राई कर लिया, ये तो मेरी वाली है।
बट यहाँ के ऑफर्स के चलते मेरी मम्मी ने एक और मेरे लिए टी शर्ट निकाल दी है, और टी शर्ट्स मुझे बहुत पसंद है तो मैं मना नहीं कर पाई टी शर्ट्स को। तो एक टी शर्ट मैंने ये ली है, ऑफ़र चल रही है 3 पे, तो मेरी मम्मी कह रही है कि 3 ही टी शर्ट्स ले ले, मैं दूसरी ट्राई करती हूँ। और जो चाहिए होता है उसमें मीडियम है ही नहीं। ये कलर अच्छा है, ये वाला अच्छी तो लग रही थी, बट मेरे पास लेमन कलर है भी नहीं। एक ब्राउन ले लेती, एक ये ले लेती, एक ये ले लेती हूँ। एक बार पहले ट्राई कर लेती हूँ, पता चले पहन के नहीं अच्छा लगे। तो गाइस सेकंड टॉप है ये, सेकंड टी शर्ट, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी कहाँ गए, ये ले लूँ ना? अच्छी लग रही है ना, कलर भी अच्छा लग रहा है। लेमन पहन के देखती हूँ अब। एंड गाइस थर्ड टी शर्ट इज दिस, मम्मी बहुत अच्छी नहीं लग रही है वाली, ये पहन के देखते हो ऑफ वाइट। आई थिंक ये ना खुली है, हाँ खुली है, और ये बहुत मज़ेदार नहीं है ये भी, पता नहीं अच्छी लग रही है मेरे को। वो देख सबसे नीचे कौन सी, वो भी तो ब्राउन ही है, ब्राउन कलर नहीं है वो। हाँ देखती हूँ निकाल के, साइज ही बड़ा है, साइज ही बड़ा है इसमें तो बड़ा। ये ग्रीन देखूं, मेक लव नॉट वॉर, काम बढ़ा दूंगी मैं उनका। इसमें भी लार्ज ही है सारी। मम्मी ये कैसी लग रही है, ग्रीन, इसमें पिंक भी है, थोड़ी नाइट सूट जैसी लग रही है। नहीं तो बताओ फिर कौन सी लूँ। ये कैसी लग रही है, ये बड़ा बहुत ज़्यादा कलर हो गया मेरे लिए। अच्छी तो लग रही है, मैंने देखी थी मैंने तेरे को, इसलिए नहीं बोली, मेरे को तो सही ज़्यादा कलर देख, बेकार लग रही है। क्या ऐसा लग रहा है, कपड़ा लपेटा हुआ है, कपड़ा है अगर लगना तो नहीं चाहिए ना कि कपड़ा लपेटा है। देख ले, मेरा तो मन हो रहा है कि ब्लैक ही ले लूँ। मम्मी ब्लैक ही ले लूँ? नहीं ब्लैक मत ले, ब्लैक क्यों है, ब्लैक मेरे पास, ब्लैक है बट ब्लैक ही अच्छी लग रही है। तो फिर 3 का ऑफर नहीं ले पाऊंगी, फिर एक ही ले। तो तीसरी टी शर्ट हम लोगों ने ये फाइनल की है, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार ये टी शर्ट फाइनल हो गई, और अच्छी लग रही है, ले लूँ ना फिर। तो जी मेरी माता ने खर्चा करा दिया है, ये लो भाई साहब रखो, बहन जी आप ही ने बोला ये टी शर्ट लेने के लिए, खर्चा मेरा, अगर आप नहीं बोलते तो मैं टी शर्ट नहीं लेती। चाबी दो, अब उंगली से थोड़ी चलाऊंगी। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के बाद, थोड़ी सी चाप खाने, मेरी मम्मी का दिल था चाप खाने का, झूठ बोल रही हूँ मेरा ही था, कि हमारे यहाँ की फेमस शॉप है वीर जी मलाई चाप वाले। और मेरा बहुत दिनों से बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है बाहर का। डाइटिंग चल रही थी ना, डाइटिंग तो चल रही थी बट मैंने नहीं खाया ना बाहर का, तो ये मैं अपने आप को आज ट्रीट दे रही हूँ, क्योंकि मैं कितने दिनों बाद आज खाऊंगी बाहर का कुछ। एक कोका कोला भी ले लेंगे, ले लूँ? ले ले, चलो एक कोका कोला और चाप, मेरा डिनर सॉर्टेड। तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया, अभी 10 मिनट लगेंगे इन लोगों को चाप देने में, तब तक हम यहाँ पे एज यूजुअल वेट करते हैं। 2000 years later. तो जी यार ऑर्डर इज रेडी, अब हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के खजाने का ATM पिन बनाने, करोड़ों का खजाना है इस औरत के पास, किसी को चाहिए हो तो बता देना, इसके खजाने में से रुपया नाक में चलेंगे। साइड में लगी है, सॉरी, मुझे माफ करना ओ माता जी, मैंने तेरे मारा। आओ मम्मी चलो चलो माता रानी का पिन बनाने चलते हैं। कहाँ से डालेगा, सब कुछ भूल गई है। बहुत दिनों बाद आई हूँ, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो मैं क्या करूँ। तो मैं मम्मी का पिन नंबर डालने वाली हूँ, टन 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 टन, पागल हो क्या, बताऊँगी थोड़ी। हो गया, ये लो तुम्हारी करोड़ों की जायदाद सेफ हो गई। तो हमने अपने मम्मी की करोड़ों की जायदाद को सिक्योर कर दिया है, अब चलते हैं घर फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। पापा का है, मेरा तो नहीं है, सॉरी, पापा की करोड़ों की जायदाद जो मम्मी के हिस्से में भी आएगी उसको हमने सिक्योर कर दिया है। अरे पति
की जायदाद में हिस्सा तो होता है ना, तुम दोनों की जायदाद है जो हिस्से की बात कर रहे हो। चलो गाइस घर जाते, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस थक हार के हम माँ बेटी आ गए हैं घर वापस, और अब इस व्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।